हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइज। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूनिट 9 मॉक टेस्ट, ओके। और उसके बाद एक यूनिट और बचा हुआ है, यूनिट 10, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट थ्योरी और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर एग्जाम। एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग काफ़ी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ओके, आफ्टर दिस मॉक टेस्ट सीरीज। सो दिस इज द यूनिट 9, और बोल सकते हैं ये 9वां वीडियो है। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए। प्लेलिस्ट का नाम है 2021 मॉक टेस्ट। उसमें आप सभी यूनिट के जो मॉक टेस्ट हैं वहाँ से देख सकते हैं, यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 9। बिफोर बिगिन, दिस इज ऑल अबाउट मी। ये मेरा नंबर है, यू कैन टेक्स्ट मी रिगार्डिंग द कोर्सेज। ये टेलीग्राम चैनल है फॉर द वीमेन स्टडी फॉर द सोशल वर्क। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या सर्च कर सकते हैं सीपी यादव क्लासेस के नाम से। ये आइकन रहेगा, इसको आप इंस्टॉल करिए और यहाँ से आप कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। या फिर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं देन यहाँ से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड यूज द CP20 कोड। यहाँ से आपको 20% ऑफ हो जाएगा सभी कोर्सेज पे। ये कोर्सेज हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द डिसेबिलिटी। देखिए, डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी बोलते हैं विकलांगता, ओके। एक ऐसी कंडीशन, एक काइंड ऑफ वीकनेस, ओके। कई प्रकार की हो सकती है डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, ओके। सो डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है डिसेबिलिटी का? देखिए, फिजिकल डिसेबिलिटी यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसी फिजिकल कंडीशन है जो कि पर्सन की मोबिलिटी को अफेक्ट करती है, पर्सन की फिजिकल कैपेसिटी को अफेक्ट करना, या उसकी जो स्टेमिना है, उसकी जो क्षमता है, उसका जो शारीरिक क्षमता है, उसकी जो गतिशीलता है, उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी या शारीरिक कमजोरी, शारीरिक ऐसी कंडीशन। और फिजिकल कंडीशन डिसेबिलिटी को हम फिजिकल वीकनेस बोल सकते हैं, या शारीरिक जिसको हम बोल सकते हैं कमजोरी, तो ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर तीसरा दिया गया है कि पर्सन हु फिजिकली डिसेबल इज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है वो कोई काम करने में उतना सक्षम नहीं होता है, तो ये भी सही दिया गया है। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो आपका डी ऑप्शन विल बी राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आपको पॉज करके देखना है और उसका आंसर देना है। लास्ट में आपको बताना है कि टोटल आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिसेबिलिटी कैन बी, डिसेबिलिटी को आप किस प्रकार से यहाँ पर डिफरेंट तरीके से कैटेगराइज किया गया है इन डिफरेंट। सो ऑप्शन लाइक डिसऑर्डर इज अ सिंगल जीन्स, जो डिसऑर्डर होता है, सिंगल जीन्स का मतलब क्या होता है, किसी प्रकार से जेनेटिक भी हो सकता है, राइट। जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट कैन बी डिसऑर्डर ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम को हिंदी बोलते हैं गुणसूत्र, उनमें किसी प्रकार का विकार आना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो जाना, तो ये क्या, ये भी अपने आप एक डिसेबिलिटी है। या फिर अ रिजल्ट ऑफ मदर एक्सपोजर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान माँ का किसी प्रकार से संक्रमण हो जाना किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोबेला है, या फिर अदर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि शराब है, सिगरेट है, इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके संपर्क में आने की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये भी सही दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सा डिसेबिलिटी का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। फिजिकल डिसेबिलिटी, इसको आप बोल सकते हैं शारीरिक अक्षमता, मेंटल डिसेबिलिटी, मानसिक रूप से डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, मानसिक रोगी, लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्न करने में, याद करने में है ना जो प्रॉब्लम आना, क्लाइम डिसेबिलिटी, क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना, तो ये कोई डिसेबिलिटी तो है नहीं, राइट। देखिए, डिसेबिलिटी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि देखने में प्रॉब्लम, चलने फिरने में, सोचने में, याद करने में, लर्न करने में, बातचीत करने में समस्या, सुनने में, मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारी प्रकार की डिसेबिलिटी हो सकती है, बट क्लाइम इज नॉट अ डिसेबिलिटी। तो ये तीनों के करेक्ट है, बट यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है, राइट। तो आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
गला बहुत खराब है आज, आवाज नहीं निकल रहा। द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसेबिलिटी, इनमें से कौन सी डिसेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा गला खराब है। इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सेंसरी और ऑल द अबव, इनमें से कौन सी विशेषता है विकलांगता की। देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हो सकती है जैसे मैंने बताया, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है बिल्कुल शारीरिक हो सकती है, और सेंसरी भी। सेंसरी का मतलब होता है संवेदनशीलता, ओके या बोलते हैं सेंसिटिविटी, तो ये भी आपका करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का आपको एग्जाम्पल देना है, ओके विकासात्मक विकार जिसको बोलते हैं। देखिए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है जनरली बच्चों में होता है जो जन्म से लेकर 2 साल तक, ओके 2 ईयर तक इसके जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या बिहेवियर डेवलपमेंट नहीं हो पाना, बातचीत, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो सही से बातचीत नहीं कर पाते हैं, बोल सकते हैं उनको बड़ी समस्या होती है, या एक जो बिहेवियर होता है जैसे कि जो अदर बच्चे हैं और उनकी कंपेरिजन में उनका बिहेवियर डेवलप नहीं हो पाता है, ओके बातचीत करने में प्रॉब्लम, कई प्रकार की समस्या हो सकती है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, क्योंकि ये जो उम्र होती है शुरुआत की उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, राइट, कई प्रकार से। सो इसे बोलते हैं डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसको बोलते हैं ADHD, डिसलेक्सिया, मेंटल रिटार्डेशन या फिर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं ASD। डी विल बी करेक्ट आंसर, इसको ही बोला जाता है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन बिहेवियर और इसको इजिली दैट कैन बी डायग्नोसिस, इसको ठीक किया जा सकता है, इसके सिम्टम देखने लगते हैं बच्चों में तो उसको ठीक किया जा सकता है। हियर इज द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज नॉट द डायमेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी के इनमें से कौन सी डायमेंशन नहीं है। इम्पेयरमेंट, एक्टिविटी लिमिटेशन, एक्टिव नहीं है एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी लिमिटेशन, पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शंस और सोशल रेस्ट्रिक्शंस, तो इनमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है बताइए। देखिए WHO के द्वारा इसकी 3 डायमेंशन बताई गई है, ये अब 3 डायमेंशन दिस डिसेबिलिटी। पहली है इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट का मतलब होता है काइंड ऑफ लॉस ऑफ समथिंग, लॉस ऑफ लिम्स, लॉस ऑफ विजन, लॉस ऑफ मेमोरी, ओके इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट। दूसरा है एक्टिविटी लिमिटेशन, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी काम काज, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, चलना, फिरना, ये आपके एक्टिविटी लिमिटेशन कहलाती है। तीसरा होता है पार्टिसिपेशन, ओके पार्टिसिपेशन मतलब होता है जैसे कि खेल, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खेलते कूदने नहीं हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटी जो होती है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे कि स्कूल में है क्विज वगैरह हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट ना करना, या जहाँ पर भी गैदरिंग हो रही है उनमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करना, अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज ना करना सोशली, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन। तो ये तीनों के तीनों जो है डायमेंशन है डिसेबिलिटी की, तो कौन सी नहीं होगी, वो चौथी है सोशल रेस्ट्रिक्शन, डी विल बी राइट आंसर। ये तीनों यहाँ पर दी गई है, पढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरीनेटल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए 3 प्रकार का ये बोल सकते हैं इसमें, एक प्रीनेटल होता है, एक पेरीनेटल है, एक होता है आपका पोस्टनेटल, डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के दौरान, इसे बोलते हैं पेरीनेटल। तो उस दौरान ओके अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैसे होगी, दैट व्हेन देयर इज द सिग्निफिकेंट पीरियड विदाउट ऑक्सीजन, जैसे कि अगर बॉडी के किसी हिस्से, फॉर एग्जांपल माइंड में, ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है विदाउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान या फिर तुरंत उसके बाद जो है अगर ऑक्सीजन की कमी रहती है दिमाग के अंदर, नहीं बच्चे में, तो उसको क्या, उसको किस प्रकार की बोल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, एनोक्सिया, पैरानोक्सिया, एनाफिलेक्सिया एंड डिसनोक्सिया। देखिए इसमें 2 कंडीशन बनती है, ऑक्सीजन विदाउट या बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना होना, ओके दूसरा होता है केस
पार्शली, पार्शली ऑक्सीजन होना, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन के अंदर, राइट। तो जो जब पार्शली ऑक्सीजन होती है उसको, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। और जब बिल्कुल भी लैक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे दिया गया है सिग्निफिकेंट पीरियड विदाउट ऑक्सीजन, तो ये केस बनेगा आपका दूसरा, ये बनेगा आपका एनोक्सिया का। तो पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, एनोक्सिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, और पैरानोक्सिया का और हाइपोनोक्सिया का मतलब होता है पार्शियली लैक ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी कमी ब्रेन के अंदर, तो उसे बोलेंगे ये आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इससे हो जाती है। तो एनोक्सिया विल बी राइट आंसर। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप देख सकते हैं, हाइपोनोक्सिया और एनोक्सिया। ओके, मेरा भी आज आवाज़ नहीं निकल रहा है, बहुत ज़्यादा गला खराब है, इसको पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8, इन द लर्निंग डिसेबिलिटी द नेम फॉर द मैथमेटिकल डिसऑर्डर। अगर हम बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो अगर एक बच्चा है, एक पर्सन है, ओके, अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में असमर्थ है, ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, किस प्रकार की डिसेबिलिटी कहलाएगी, किस प्रकार का डिसऑर्डर कहलाएगा। अगर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, डिस्किफेजिया, डिसग्राफिया। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इसके बोलते हैं डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम, मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उनको जोड़ने घटाने में, है ना, मल्टीप्लाई करने में, उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एसएलडी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, एडीएसडी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं एएसडी। तो ऑफकोर्स वेरी सिंपल क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है डिसलेक्सिया, ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी और कई प्रकार की डिसेबिलिटी होती है वो, जो दैट इज कम अंडर द डिसलेक्सिया, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसे बोलते हैं बौद्धिक या विकलांगता, बौद्धिक रूप से एट अ कॉग्निटिव लेवल, दिमागी तौर पर, उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया, एडीएसडी, मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एएसडी। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? Which answer will be right? Intellectual disability. Intellectual disability का मतलब क्या होता है? Dyslexia. इसका मतलब होता है कि kind of unable to learn, है ना? एक normal student है, for example, एक normal बच्चा है, एक आपका बच्चा that have intellectual disability, तो उसकी जो learning capability होगी वो कम होगी इस बच्चे से, right? या जो day to day life की जो functioning होती है बच्चा सही से नहीं कर पाता है, जिसमें इसको डिसलेक्सिया होता है। तो आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिविजुअल्स, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पर्सन है जिसको डाउन सिंड्रोम है, ओके, और उसमें एक बोल सकते हैं मॉडरेट टू सीवर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है इस स्टेज में, तो उसका आईक्यू लेवल कितना होगा? अगर उसको मेजर करें तो किस रेंज में आईक्यू होगा? अगर उसको डाउन सिंड्रोम है मॉडरेट टू सीवर, तो उसकी रेंज होगी 45 से लेकर 50, 55 से लेकर 60, 35 से लेकर 55 और 25 से लेकर 35। तो सही जो रेंज है कौन सी होगी आईक्यू लेवल की? सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कौन सा इसमें से बौद्धिक विकलांगता है, अभी डिस्कस किए कि जनरली बच्चों में होती है, तो जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनमें इनके सिम्टम ज़्यादा दिखते हैं और उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो ये आपका पहला सही दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आर डिसऑर्डर दैट ऑरिजिनेट बिफोर 18 ईयर ऑफ एज, 18 साल से कम। दूसरा ऑप्शन दिया है पॉसिबली
रिजल्टिंग फ्रॉम द फिजिकल कॉज, जैसे कि कुछ और भी कारण हो सकते हैं राइट, जैसे कि सर्वाइकल पॉलिसी की वजह से ऑटिज्म, या नॉन फिजिकल कॉज जैसे कि लैक ऑफ स्टिमुलेशन, इसकी वजह से भी उत्पन्न हो सकती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाई लिमिटेड मेंटल कैपेसिटी, जो मानसिक क्षमता होती है वो सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, एंड डिफिकल्टी विद अडोप्टिव बिहेवियर्स। ओके, डिफरेंट बिहेवियर को अडोप्ट करना है, बोल सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कंडीशन में अपने आप को अडोप्ट ना कर पाना, अपने आप को, अपने बिहेवियर को बदल ना पाना, तो वो भी एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं क्षमता को सीमित करता है, इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। या फिर सोशल सिचुएशन में डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट रूटीन है, उनको फॉलो ना कर पाना, बोल सकते हैं कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है उनको सही से ना कर पाना, वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आएगा। तो चारों तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इमोशनल इंटेलिजेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंटेलिजेंस। ऐसा इसमें बोला गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो अलग है अदर इंटेलिजेंस से, इन दैट किस सेंस में, किस सेंस में बात कर रहे हैं, कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है इट हैज़ अ सेट ऑफ स्किल्स, या फिर इट कैन बी मेजर यूजिंग द टेस्ट, इजली इसको इजली हम मेजर कर सकते हैं, एंड द फोकस इज ऑन द इमोशनल रीजनिंग। हाँ ये ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ओके, इमोशनल रीजनिंग की बात की गई है, भावनात्मक तर्क की, क्षमता की, नॉलेज की, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, इट इज़ अ न्यू टाइप ऑफ इंटेलिजेंट, न्यू टाइप थोड़ी है, इंटेलिजेंस सब एक जैसी होती है, इट इज़ नॉट अ न्यू और ओल्ड, सो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल इज। ओके, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। पेशेंट बिलीव दैट समवन एक्सटर्नल इज कंट्रोलिंग हिम। जो जिस पर्सन को डिल्यूजन है या जो मेंटली एबनॉर्मल है, उसको ऐसा लगता है कि कोई उसको बाहरी कंट्रोल कर रहा है। समवन एक्सटर्नल इज कंट्रोलिंग हिम। पेशेंट्स बिलीव दैट ही हैज स्पेशल पावर। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है जिसको ये प्रॉब्लम है, डिल्यूजन है, उसको लगता है कि उसके पास बहुत कुछ शक्ति है, कोई स्पेशल नेचुरल पावर, कुछ स्पेशल शक्ति है। बिलीव दैट समवन इज ट्राइंग टू किल हिम। उनको ऐसा लगता है कि दूसरा कोई उनको मारना चाहता है। देखिए, इसको डिल्यूजन नहीं बोलते हैं, उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, तो ये आपका गलत है। इसमें पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट बिलीव दैट समवन एक्सटर्नल इज कंट्रोलिंग। उनको ऐसा लगता है, भ्रम है ना, तो उनको ऐसा लगता है। फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हेलुसिनेशन आर कैरेक्टरिस्टिक बाय। हेलुसिनेशन का मतलब भी होता है वही मति भ्रम होना। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, इसकी जो विशेषता है, या कैसे आपको पता चलेगा कि हेलुसिनेशन है किसी पर्सन को। रनिंग कॉमेंट्री ऑन करेंट बिहेवियर ऑफ पेशेंट। ओके, कमांडिंग वॉइस टू द पेशेंट, थर्ड पर्सन टॉकिंग अबाउट पेशेंट। देखिए, एक ऐसा पेशेंट जिसको हेलुसिनेशन है ना, तो उसको ऐसा भी लगता है कि कोई तीसरा आदमी जो है उसके बारे में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है, इसके आसपास दो लोग बैठे हुए, मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, तो इसको ऐसा लगेगा कि दो लोग ना कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं हमको मारने के लिए, कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, राइट, तो ये आपका सही हो जाएगा। और उसको एक कोई वॉयस आती है, उसको लगता है कि यार कोई हमसे कुछ बोल रहा है, राइट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट है, बच्चा है, एग्ज़ाम दे रहा है, अब उसको लगेगा कि यार कोई हमसे बोल रहा है कि यार तुम क्लास छोड़ कर चले जाओ या एग्ज़ाम मत दो, एक कमांडिंग वॉयस आती है, तो इसे बोलते हैं हेलुसिनेशन। रनिंग कमेंट्री ऑन करेंट बिहेवियर, ऐसा लगातार बड़बड़ाना या किस प्रकार की रन कमेंट्री चलती रहती है, तो ये भी आपका करेक्ट है, तो डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा और भी इसके जो विशेषताएं होती है, जैसे कि उसको लगना, ऐसा लगेगा कि यार उसके रूम में ना कैमरा लगा दिया है किसी ने, कोई इसको ट्रैक कर रहा है, कोई इसको देख रहा है, राइट, उस प्रकार से उसको ऐसा लगता है, एक मति भ्रम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। देखिए, इसके नाम में ही छुपा है इसका मतलब, इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, मतलब इंपल्स को कंट्रोल ना कर पाना, तभी तो डिसऑर्डर होगा ना, अगर इंपल्स को कंट्रोल कर लेगा तो फिर डिसऑर्डर नहीं होगा। तो सिंपल है, हेलुसिनेशन, इनएबिलिटी टू रेसिस्ट अर्ज, कॉन्स्टेंट थॉट्स अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी विशेष वस्तु के बारे में निरंतर लगातार विचार आना, ये तो गलत है। तो अगर ये गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। हेलुसिनेशन है भी नहीं, मैंने बताया अभी, इनएबिलिटी टू रेसिस्ट अर्ज, जो अर्ज है, ओके,
उसको रोक ना पाना, एनेबल टू रेसिस्ट अर्ज। कि जैसे आपने देखे होंगे कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लास में टीचर ने बोला हुआ है, कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कुछ लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई इंपल्स कंट्रोल डिसऑर्डर है, बट कुछ लोगों में ऐसा होता है कि टीचर अगर बोल भी देगा ना खड़ा नहीं होना है आपको, फिर भी वो लोग ना खड़े हो जाएंगे, नहीं हमको पता है। तो उस प्रकार से बोल सकते हैं कि अपने अर्ज जो है उसको कंट्रोल ना कर पाना, है ना, बहुत ज़्यादा तुरंत एक्टिव हो जाना, चाहे उसको फिर टास्क को परफॉर्म कर पाए चाहे ना कर पाए, बट बिकॉज ऑफ उनके अंदर जो है वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो वो तुरंत जो एक्टिव हो जाते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंट सॉरी मेडिकल सोशल वर्क। आपको बताना है कि इसमें से चिकित्सक सामाजिक कार्य की विशेषता कौन सी है। इट कंसिडर ह्यूमन हेल्थ विद अ ब्रॉडर परस्पेक्टिव। अफकोर्स ये जो है स्पेसिफिक है मेडिकल सोशल वर्क, अबाउट द मेडिकल हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट क्लाइंट बेनिफिशियरी। तो ये मेन फोकस करता है एक ब्रॉड परस्पेक्टिव ह्यूमन हेल्थ के बारे में। इट एनेबल द पेशेंट टू सॉल्व देयर वन प्रॉब्लम। ऑफकोर्स उनकी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करने के लिए। ऑफकोर्स इट स्ट्रेंथन द सोशल रिलेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के जो सामाजिक रिश्ते हैं उनको मजबूत करना, उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर करना, उनकी कैपेबिलिटी को बेहतर करना, बढ़ाना। तो सभी के सभी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं मेडिकल सोशल वर्क। डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इसको आपको पेयर करना है। यहाँ पर डिसऑर्डर दिए गए हैं और इसको एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे एक्यूट स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस जिसको बोलते हैं PTSD, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर, यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। इसको आप हिंदी पढ़ सकते हैं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, देखिए एक्यूट, या पहले इसको देख लेते हैं, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। PTSD बेसिकली होता है कि कोई घटना घट जाती है ना, कोई आपदा आ गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनामी, बाढ़ आ जाना, उसकी वजह से अगर फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, या फिर जनरली अगर किसी की डेथ हो जाती है ना, तो कोई घटना घट जाने के बाद जो है काइंड ऑफ जो डिसऑर्डर होता है, जो स्ट्रेस डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं PTSD, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, सो आपका हो जाएगा कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें रिस्पॉन्स टू दी स्ट्रेसफुल इवेंट, राइट। सो आपका बी विल पेयर विद द थर्ड। सो बी थर्ड किसमें है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अपने आप को एडजस्ट ना कर पाना, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट स्टेट में अपने आप को अडोप्ट ना कर पाना, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। तो ये आपका फर्स्ट के साथ पेयर हो जाएगा सी। सोमेटाइजेशन का मतलब होता है मल्टीपल फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं उसको बोलते हैं सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। तो आपका सेकंड के साथ पेयर हो जाएगा, डी विल पेयर विद सेकंड। तो ये बचा आपका फोर्थ के साथ, 4312, डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर कुछ एबनॉर्मलिटी को एक्सप्लेन करने वाली टर्म दी गई है, जैसे कॉग्निटिव है, मेंटल, साइको डायनेमिक है, बिहेवियरल है, और यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कॉग्निटिव, ये कॉग्निटिव होता है आपका दिमाग से लेकर माइंड, ब्रेन से रिलेटेड है। मेडिकल साइकोडायनेमिक जिसे बोलते हैं मनोगतिक, या बिहेवियरल व्यवहार, ये किससे रिलेटेड है, ये टर्म जो है किससे रिलेटेड है। तो व्यवहार तो आपका हो जाएगा फर्स्ट से, लर्न बिहेवियर से, तो डी विल पेयर विद द फर्स्ट। साइकोडायनेमिक आपका साइकोलॉजिकल कॉजेज की वजह से, तो ये आपका फोर्थ के साथ हो जाएगा। मेडिकल टर्म ऑफकोर्स फिजिकल कॉज, कोई शारीरिक कारण, और आपका कॉग्निटिव दिमाग से माइंड से रिलेटेड है, तो आपका थॉट्स इन द माइंड। 3241, बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबर वेलफेयर। लेबर वेलफेयर के में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओके, एम्प्लॉयज की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसके जीवन को बेहतर करना, जीवन स्तर को बेहतर करना, सुधार करना, उसको इम्प्रूव करना, और यहाँ पर दिया गया ओनली। देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया ना, ये केवल एम्प्लॉयज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करना, ऐसा नहीं हो सकता ना। लेबर वेलफेयर का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय सभी के सब जो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लेबर, लेबर की एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को प्रमोट करना, दैट इज कंडक्टिव,
एक अच्छा बोल सकते हैं कि एक ऐसा अनुकूलित होना चाहिए जो कि एम्प्लॉय की ग्रोथ को बढ़ावा दे, कि विकास के लिए अनुकूल हो, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बढ़ावा देना। एंड प्रमोट हेल्थ मेडिकल एंड मेटर्निटी लीव, जो भी बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं, चाहे मेटर्निटी बेनिफिट्स हो, मेडिकल बेनिफिट्स हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, शिक्षा को लेकर के हो, बच्चों के लिए, तो सभी के सभी जो है मुहैया कराना एम्प्लॉयज़ को। ओके, तो ये तीनों करेक्ट है, आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सी एस आर, कॉपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ह्यूमन राइट्स, लेबर वर्किंग कंडीशन, जो लेबर हैं काम करते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, इन्वायरमेंट को बचाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉल्यूट कौन करती है, इंडस्ट्री करती है, और तो उनका ये जिम्मेदारी होती है अंडर द सी एस आर एक्टिविटी कि जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, बचाएं, कॉपरेटिव गवर्नेंस और जेंडर इक्वालिटी। तो इनमें से कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? देखिए, कोई भी जो भी सामाजिक समस्या है ना, उस पर ये लोग काम कर सकते हैं सी एस आर के अंतर्गत। कोई खास क्या बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में काम नहीं करते हैं, कोई भी हो सकता है, किसी भी कॉज के लिए ये लोग काम कर सकते हैं अंडर द सी एस आर एक्टिविटी। जितनी भी इंडस्ट्री होती है, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पैसा कमाया कहाँ से, सोसाइटी में, सोसाइटी से कमाया ना, तो सोसाइटी को ही उनको देना होता है, ये एक काइंड ऑफ बिलीफ है। सो अंडर द सी एस आर एक्टिविटी किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, जहाँ उन पर जरूरत पड़ती है हेल्प की, वो कर सकते हैं, चाहे वो लेबर वर्किंग कंडीशन को बेहतर करना, ह्यूमन राइट्स के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, कॉपरेटिव गवर्नेंस के लिए, या जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो सभी के सभी आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए है। क्वेश्चन लिस्ट वन लिस्ट टू को आपको पेयर करना है, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस रिव्यू, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ये किससे रिलेटेड है, जैसे हायरिंग है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रेनिंग नीड्स टेस्ट है, एवेल्युएशन है, बताइए कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मैं पिन कर दूंगा इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, सो दीज आर द क्वेश्चन, टोटल 22 क्वेश्चन है, 21 आपको बताना है, 21 में आपके कितने करेक्ट हैं, 22 का आंसर आपको देना है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।